हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स। ये वीडियो हो सकती है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे वेरीफाई बैच कैसे लगाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज आपको पता भी चल गया होगा इंस्टाग्राम का नया अपडेट है कि अपनी जो प्रोफाइल पिक है उस पर आप इंस्टाग्राम का वेरीफाई बैच लगा सकते हैं। जैसे कि अपने प्रोफाइल है उस पर आप इंस्टाग्राम का वेरीफाई बैच लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वही ट्रिक बताऊँगा। जैसे कि पहले तो वो खाली इंग्लैंड या फॉरेन कंट्रीज़ के लिए उपलब्ध था, बट अब इंडिया में भी उसको दे दिया गया है कि आप कैसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन बैच, जो कि इंस्टाग्राम का नया अपडेट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और कृपा करके अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल के नीचे दिख रहे इस लाइक बटन पर क्लिक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो शेयर करते हैं हम। तो पहले बता देता हूँ मैं कि अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, अगर डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर फॉलो करना चाहे तो। तो फ्रेंड्स, ये 3 डॉट का जो बटन दिख रहा है, आपने 3 डॉट का देखा तो 3 डॉट पर हम इधर आ गए और नीचे पर ये सेटिंग का ऑप्शन आ गया। तो मैं सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले तो आपको कुछ जानकारी दे दिया जाए कि आपको कैसे वेरीफिकेशन बैच मिलेगा, नहीं तो आप सोचेंगे पक्का ही हमको वेरीफिकेशन बैच मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या रहे, आप भले ही 100 फॉलोअर्स हो या 1 लाख फॉलोअर्स हो, कितने भले ही 100 फॉलोअर है या 1 लाख फॉलोअर्स हो, बट आपको वेरिफिकेशन बैच इस प्रपोज पे मिलेगा कि आप कुछ ब्रांड टाइप हो या आप कुछ दुनिया में मतलब सेलिब्रिटी टाइप हो या कुछ फेमस पर्सन हो। तो फ्रेंड्स, वो कैसे मिलेगा, जैसे कि आपको ही पता है कि आप कुछ ब्रांड हो, अगर आप ब्रांड हो तो आपको ब्रांड को मिलेगा, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा फेमस लगा, उसको पहचानते हैं, लोग उसको जानते हैं, तो उस तरह से टाइप से मिलता है। जैसे कि आप सेलिब्रिटी को जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उस टाइप से मिलता है, ऐसा मिलता है। तो आपको विश्वास ना हो तो मैं एक ये भी दिखा दूँ कि एक इंस्टाग्राम का है जेन ली, तो फ्रेंड्स उसको इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन बैच मिल चुका है जो कि उसके 100 फॉलोअर्स थे। तो भी तो फ्रेंड्स, मैं वो आईडी तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो बस फ्रेंड्स अपने स्टार्ट करते हैं अपना काम जो कि वेरिफिकेशन बैच कैसे पाना है। तो सिंपली ये जो 3 डॉट दिख रहा है प्रोफाइल वाला, वहाँ पे क्लिक किया और मैं नीचे आ गया इधर सेटिंग के ऑप्शन पे, और सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद नीचे, और आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी ऑटो फॉलोवर तो समझ लो वेरीफिकेशन बैच भूल ही जाइए, ऑटो फॉलोअर नहीं होना चाहिए, ओनली रियल फॉलोअर्स होना चाहिए। क्या ओनली रियल फॉलोअर्स, रियल फॉलोअर्स रहेंगे तभी इंस्टाग्राम, नहीं तो आपको रोबोट मान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो रियल फॉलोअर रहेंगे उन्हीं को मिल पाएगा, तो कृपया करके। और ज़्यादातर ये भी बहुत ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो कि हमारा एकदम फर्स्ट से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी इससे मतलब टच कराना चाहते हैं, उसके साथ मतलब आपका जो रियल नेम है, जैसे कि आप में जो आइडेंटिटी में रियल नेम लिख के रखा है, जैसे कि मेरे आइडेंटिटी में भी अजय वर्मा है मेरा, और इसमें भी मैंने इंस्टाग्राम पर अजय वर्मा लिखा है, तो सबसे पहले आप वेरिफिकेशन बैच का फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना नाम चेंज कर लीजिए, वहाँ से यहाँ पे लिख दिया अजय, जैसे मैंने लिखा है अजय वर्मा, तो आपका भी जो रियल नेम हो वहाँ पे चेंज कर लीजिए, चेंज करने के बाद ही करिए, नहीं तो आपका फिर बाद में उधर पे आईडी में कुछ और हुआ और नेम कुछ प्रोफाइल पे और है तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों सेम मिलना चाहिए, आपकी प्रोफाइल तो आइडेंटिटी रखना ही है, आपकी प्रोफाइल जैसे कि आपकी पिक तो ज़्यादातर मैं जानते हूँ कि अपनी पिक रखते ही होंगे, और ज़्यादातर अपना नाम सही रखना है। तो हम स्टेप के और बढ़ ही जाते हैं, और सेटिंग ऑप्शन पे मैं जैसे ही जाता हूँ, सेटिंग ऑप्शन पे नीचे जाने के बाद इधर पे देख लीजिए एक नया फीचर लॉन्च कर दिया गया है हम लोग के लिए, तो इधर पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, यही है जो कि हमको मिल गया है इंडिया वालों को भी कि वेरिफिकेशन बैच हमको हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इधर पे जैसे ये ओपन होगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए अपना यूज़र नेम, जिसको आप कोई भी छेड़खानी नहीं करना है अपने यूज़र नेम को, क्योंकि यूज़र नेम जो रहेगा वही आ जाएगा इधर पे, अपना जो नाम जो कि आइडेंटिटी आप सबमिट करना चाहते हो, वो नाम मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ अजय वर्मा, जो कि मैं सबमिट करना चाहता हूँ, और नोन एस मतलब आपको किस तरह लोग किस तरफ से पहचानते हैं, जैसे कि मेरे को यूट्यूबर की तरफ, और इधर पे लिख दीजिए सिलेक्ट अ कैटेगरी फॉर योर अकाउंट, जैसे कि फ्रेंड्स आपको नोन एज मतलब कि आपको लोग किस तरह से पहचानते हैं, आप जैसे ब्लॉगिंग करते हो या इन्फ्लुएंसर हो या फिर बहुत सारे चीज मतलब सेलिब्रिटी हो कुछ भी हो। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है तो एक कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए आप कैटेगरी आपकी जो भी हो, म्यूज़िक हो, फैशन और एंटरटेनमेंट, बट मेरा इसमें यूट्यूबर नहीं है तो मैं इसमें अदर्स पे क्लिक करूँगा, और अदर्स पे क्लिक करने के बाद मैं इधर चूजन फाइल पे क्लिक करूँगा, और चूजन फाइल पे क्लिक करने के बाद इधर सेंड का ऑप्शन है ब्लू हो जाएगा, और तो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये
कम से कम दो बार कर दिया है, क्योंकि मैंने दो बार इसको यूज़ कर दिया है। तो अभी मैं नहीं करूँगा ना कि कुछ छेड़खानी करूँगा, कि जब तक वेरिफिकेशन बैच एक बार देखते हैं मिलता है कि नहीं, तो एक बार ट्राई करना है ज़रूर। क्योंकि भाई वेरिफिकेशन बैच किसी को भी मिल सकता है, जैसे कि जिसको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल जाए उसको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स मैं इतना बता देता हूँ, जो भी ऑटो फॉलोअर मारे हैं अपनी न्यू आई डी बनाकर कर दीजिए, भले ही 200-300 फॉलोअर, उससे कोई मतलब नहीं होता। भले ही आपके अगर ऑटो फॉलोअर हो तो नहीं मिल पाएगा आपको, मुश्किल रहेगा चांस, बट आपके जो रियल फॉलोअर्स रहेगा उसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसमें ये इंस्टाग्राम चेक भी करता है कि ये बंदा कैसे फॉलोअर्स आए, कहाँ से आए। तो फ्रेंड्स ये सब देखा जाता है इंस्टाग्राम पे, और ज़्यादातर अपना नाम जो आईटी रखना है तभी हो पाएगा इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन बैच आपको मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कमेंट में जरूर बताना कैसे लगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।